तो आज जानते हैं हम जयगढ़ किले के बारे में। ये जयगढ़ किला है। जयगढ़ किला जयपुर के राजस्थान के आमेर शहर में स्थित है। जयगढ़ का किला अरावली पर्वतनामा चीन के टीला के पास स्थित है। इस किले का निर्माण सन 1726 में सवाई जय सिंह द्वारा आमेर किला और उसके आसपास महल परिसर को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। यह किला उबड़ खाबड़ और संरचनात्मक डिजाइन के रूप में आमेर किले के समान है। इस किले को विजय किले के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्तर दक्षिण में लंबाई 3 किलोमीटर और चौड़ाई 1 किलोमीटर है। इस किले में एक जयवाना नामक तोप है। इस तोप का निर्माण इसी किले में किया गया था। उस समय यह तोप पहिए में चलने वाली सबसे बड़ी तोप थी। जयगढ़ किला और आमेर का किला भूमि मार्ग से जुड़े हुए हैं। इन दोनों को एक ही परिसर माना जाता है। जयगढ़ किला अरावली पर्वत श्रेणियों की एक श्रेणी पर स्थित है। जयगढ़ किला और आमेर किला से ऊपर स्थित है। इसे देखने पर एक सुंदर मनमोहक दृश्य देखने को बनता है। जयगढ़ का किला आमेर के किले से लगभग 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह किला जयपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो जयपुर दिल्ली राजमार्ग जाने वाले एक छोटे से रास्ते पर स्थित है। यह किला डूंगर दरवाजे के तरफ ले जाती है, जहां जयवाना तोप स्थित है। इस सड़क पर ही एक अन्य महत्वपूर्ण किला नाहरगढ़ किला स्थित है। आमेर किले से भी यहां पर पहुंचा जा सकता है। थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई करके आप यहाँ इस किले तक पहुँच सकते हैं। आमेर को प्राचीन और मध्यकालीन युग में ढूंढार पर्वत के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है पश्चिमी मार्ग में बलिदान पर्वत के रूप में, जिस पर 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व मेड़ों का शासन था, जिसे आज जयपुर किले के नाम से जाना जाता है, जो वास्तव में महल के बजाय मुख्य रक्षात्मक 10वीं शताब्दी के बाद से कछुआओं द्वारा शासित है। आमेर और जयगढ़ का किला इन शासकों से अमिट रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन शासकों ने यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित किया था। मुगल सम्राट शाहजहाँ के शासन काल के दौरान जयगढ़ किला, जो दिल्ली से 125 मील दूर पश्चिम उत्तर की ओर स्थित है, यहाँ लौह अयस्क की प्रचुरता के कारण यहाँ मुख्य रूप से तोप ढलाई में बन गया। तो फाउंड्री जयगढ़ में एक विशाल पवन सुरंग थी, जो ऊपर हवाओं को अपने ओर खींचा करती थी, जिससे तापमान 2400 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता था, जिससे गर्म हवा धातुओं को पिघला देती थी। पिघली हुई धातु एक जलाशय कक्ष को भर देती और ढलाई गड्ढे एक सांचे के रूप में चली जाती। अक्सर यहां बनी तोपें ज़्यादातर विशाल आकृति की थी। अधिकतर तोपें 16 फीट लंबी थी, जिसे एक ही दिन में तैयार किया जाता था। यहां राजपूतों ने अपना यांत्रिक उपकरण तैयार कर रखा था। इस उपकरण का उपयोग तोप बैलों को खोखला करने के लिए किया जाता था। जब 1658 में मुगल उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ा, तब दारा किशोर ने यहां कब्जा कर लिया, जब तक कि वह हार नहीं गया और उसके छोटे भाई को मार नहीं डाला। जयगढ़ का किला लाल बलुआ पत्थर से अधिक मजबूत है। इसके अंदर में एक वर्गाकार उद्यान स्थित है। महलों में जालीदार वाले खिड़की और ढलान स्थित है। प्रांगण के भीतर के बगीचे में 3 मेहराबदार हैं, जिसे अवनी दरवाजा भी कहते हैं। इसका उपयोग सागर झील देखने के लिए अभी से हाल ही में नवीनीकृत किया गया था, जिसका नज़ारा बहुत खूबसूरत दिखता है। किले में जल आपूर्ति सुविधाओं को अरावली पर्वतमाला से पहुंचाने के लिए किया गया था। किले में 4 किलोमीटर की दूरी पर जल संरचना का निर्माण करके नहर के माध्यम से जल पहुंचाने का कार्य किया गया था। केंद्रीय भूमिगत नीचे 3 टैंकों का निर्माण किया गया था, जिसमें से सबसे बड़ी टैंक में 6 मिलियन गैलन पानी भरा जाता था। पूरी तरह झूठी अफवाहें थी कि आमेर के कछुआहों का खजाना इस परिसर में रखा गया था, जिसके कारण खोज पूरी तरीके से असफल रही। भारत की प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी ने इसके खोज का आदेश दिया था,
जो आपातकालीन के समय था। 1975 से 77 के दौरान आयकर विभागों के डिटेक्टरों द्वारा पूरी तरीके से खोज की गई थी। एक संसदीय प्रश्न यह था कि क्या 10 जून 1976 से नवंबर 1976 तक यहां खजाने की खोज की गई थी। तब जयपुर और दिल्ली के यातायात मार्ग को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, क्योंकि तत्कालीन प्रभाव से खजाने को प्रधानमंत्री के आवास तक लिया जा सके। जब 3 महीने की खोज के बाद खजाना नहीं मिला तो ये एक अनुमान लगाया गया कि जयपुर के राजा ने इस खजाने का उपयोग पूरे जयपुर के निर्माण के लिए किया गया हो।